मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी झुंझुनू में क्लस्टर कार्यकर्ता और कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने पानी के नाम पर यहां के लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते से यहाँ के क्षेत्रवासियों को पीने का पानी मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आलू से सोना बनाना तो नहीं आता, लेकिन पानी आने से यहाँ की जमीन सोना जरूर उगलेगी। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो झुंझुनू के अंदर नहर के नाम पर वोट मांगते रहे, उद्घाटन शिलान्यास करते रहे, उन्होंने एक कदम भी बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि सीकर झुंझुनू चूरू ये राजस्थान के वो जिले हैं तो यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के जवान, यहाँ का किसान बहुत ही मजबूत है। यहाँ के लिए हमने यमुना जल का समझौता किया है। निश्चित रूप से मैं आलू से सोना नहीं बना सकते, लेकिन इन तीनों जिलों से जिस दिन पानी आएगा या जल्दी आएगा तो जमीन जरूर सोना यहाँ होगी। सर बैठक में क्या क्या निर्देश दिए हैं, बैठक में चुनाव की तैयारी? और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस ने किसान और जवान से लेकर के सबको, राजस्थान को धोखा दिया है, आने वाले चुनाव में दूसरी बार कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। हम राजस्थान की 25 सीट बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं और देश के अंदर 405 जीतने वाले हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 405 के साथ ही बहुत बड़ी सरकार बनने वाली है। मुख्यमंत्री का एक बार फिर सादगी भरा चेहरा सामने आया। झुंझुनू में लोकसभा क्लस्टर की मीटिंग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग के बाद सड़क किनारे लगी रेहड़ी पर गन्ने के जूस का लुत्फ लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी मुख्यमंत्री का साथ दिया। मुख्यमंत्री ने जूस पीने के बाद स्ट्रीट वेंडर को UPI से पेमेंट भी किया। सड़क किनारे खड़े होकर इस तरीके से गन्ने के जूस का सेवन करना एक बार फिर यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री एक आम आदमी की तरह ही जमीन से जुड़े हैं और इस दृश्य को देख कार्यकर्ता भी उत्साह से भरे नजर आए।